अगर कभी मेरे को दोनों ऑप्शंस दिए जाएं, बेकिंग बैड या फिर ये, और सेम प्राइस हो पिज़्ज़ास का, मेरे ख्याल से मेरे को बॉट मार जाते हैं कभी कभी। मैं छुप रहा हूँ, मेरे पे गन नहीं है, सामने बंदे को पता नहीं। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, थोड़ी देर में निकल जाएगा, मैं दूसरे को, तब तो पीछे से बॉट आ जाता है, टरैक टरैक टरैक। What's up guys, welcome back to another Mug Bang. So, बात है कुछ ऐसी, आज ही दिन में मैं लौटा हूँ नोएडा से और अपने नोएडा के फेवरेट पिज्जा आउटलेट बेकिंग बैड से ला रहा हूँ मैं अपने दो फेवरेट पिज्जा, जिनका कंपैरिजन आज मैं करने वाला हूँ अपने ऑल टाइम फेवरेट पिज्जा आउटलेट डोमिनोज के दो फेवरेट पिज्जा के साथ। अगेन बात है कुछ ऐसी कि डोमिनोज मेरे दिल के कुछ ज़्यादा ही करीब है, तो मैं कभी कभार बायस्ड हो जाता हूँ। तो आज का कंपैरिजन एकदम फेयर है, इसके लिए मेरे साथ भानु भैया भी आने वाले हैं आज के वीडियो में। बट इन सभी चीज़ों से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ बिनोमो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसमें ट्रेडिंग करके मैं अपने कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मैनेज कर लेता हूँ। बट रिसेंटली मुझे एक नया तरीका दिखा है उसमें ट्रेडिंग करने का, फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ वो तरीका। आप देख सकते हो मेरे रियल अकाउंट में इस टाइम 50,823 रुपीज़। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम सबसे पहले एसेट सेलेक्ट करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से आप कोई सा भी कर सकते हो, मैं क्रिप्टो IDX करने वाला हूँ। और राइट हैंड साइड में आपको तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें से सबसे लेफ्ट वाले पे क्लिक करके इंडिकेटर्स का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे बॉलिंगर्स बैंड, जिसका पीरियड मैं 10 रखने वाला हूँ और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 रखने वाला हूँ, अप्लाई करेंगे। अब यहाँ सेंटर वाले बटन पे क्लिक करके चार्ट टाइप्स का ऑप्शन आ जाता है, माउंटेन लाइन, कैंडल बार। यहाँ से मैं कैंडल सेलेक्ट करने वाला हूँ 15 सेकंड्स के लिए। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं, इनसे हमें पता चलता है कि ग्राफ कैसे मूव कर रहा है, जिससे हमें फोरकास्ट करने में आसानी होती है कि ग्राफ किस साइड जाएगा। अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्राफ नीचे की साइड ही जाएगा, तो अमाउंट मैं रखने वाला हूँ 7,000 और डाउन वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। लेट्स जस्ट सी कि ये ग्राफ अब ऊपर की साइड जाता है या फिर नीचे की साइड आता है। तो आप देख सकते हो 7,000 के इन्वेस्टमेंट में मुझे मिल चुके हैं 12,740 रुपीज़, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ और ग्राफ नीचे की साइड ही गया। अब यहाँ इस येलो वाले बटन पे क्लिक करके आपको डिपॉजिट फंड्स का ऑप्शन मिल जाता है, फ़ोनपे, पेटीएम, UPI, नेट बैंकिंग, और ये सभी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं इसमें फंड डिपॉजिट करने के लिए। इसी के ठीक बगल में आपको विड्रॉल फंड्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहां से आप अपनी अर्निंग्स इजीली विड्रॉ कर सकते हो। रही बात इसकी सिक्योरिटी की, तो फिर बिनोमो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमिटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और ये 130 से भी ज़्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है, तो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड रहते हैं और आपके ट्रांजेक्शन एकदम सिक्योर रहते हैं। और अगर आप भी बिनोमो यूज़ करके मेरी तरह अर्न करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी इसका लिंक दे दिया है, उस लिंक से बिनोमो को डाउनलोड करने पे आपको मिलेंगे $1,000 अपने डेमो अकाउंट में, जहां से आप स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करना सीख सकते हो और मुश्किल से आपको 15 सेकंड्स लगेंगे इसमें रजिस्टर करने में। मोर ओवर अगर आप लोग मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे, तो फिर आपका जो भी फर्स्ट डिपॉजिट होगा वो डबल हो जाएगा। सो डाउनलोड नाउ। अब फटाफट से भानु भैया को बुलाते हैं, पिज्जा प्रेजेंटेबल बनाते हैं और करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। फाइनली दिस इज इट, फटाफट से मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ। आगे की साइड है मेरे पास बेकिंग बैड से हॉट स्पॉट वेज थिन क्रस्ट पिज्जा 9.5 इंचेस, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। पीछे की साइड है मेरे पास द नेपोली एक्रोपोलिस पिज्जा 9 इंचेस, और इनके बॉक्सेस में क्लियरली मेंशन था कि माइक्रोवेव नहीं करना है। वहीं डोमिनोज से है मेरे पास एक मीडियम पनीर मखानी चीज बर्स्ट बेस के साथ, और पीछे की साइड है द 4 चीज पिज्जा मीडियम, इसमें चीज बर्स्ट नहीं आता है तो ये रेगुलर क्रस्ट है। एनीवे फटाफट से करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट, क्योंकि डोमिनोज अभी भाई बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म है, तो गर्मा गर्म इसमें मजे लेते हैं। फटाफट से करते हैं वीडियो स्टार्ट अपनी परंपरा के साथ, भानु भैया ने बर्फ से भर दिया जिसे। कौन कौन से इसमें कंपैरिजन किस हिसाब से होगा भाई? भाई देखो, सबसे पहली बात है कुछ ऐसी, चारों ही पिज्जा वेज है, सावन स्टार्ट हो चुके हैं तो घर में अलाउड नहीं हमारे, तो चारों ही पिज्जा वेज है। दूसरी बात जो स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ, ये थिन क्रस्ट पिज्जा है और डोमिनोज का आपको पता ही है फ्लफी बेस रहता है, चीज बर्स्ट वगैरह वाले। बट आज की वीडियो का पर्पस ये था कि जो मुझे नोएडा में बेस्ट लगे और जो मुझे ऑल टाइम बेस्ट लगते हैं, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन ऐसा कि इसका जो प्राइस रेंज है, नई प्राइस रेंज के मैंने डोमिनोज के भी मंगाए हैं। इन दोनों का ही ऑर्डर डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। ये इंडिविजुअली वैसे महंगे पिज़्ज़ाज़ हैं एज़ कम्पेयर टू दीज,
बट एवरीडे वैल्यू में मुझे ये 500 से 600 के बीच में एक पिज्ज़ा पड़ा, सेम गोज विद दीज पिज्ज़ाज़। तो मतलब ये चारों ही पिज्ज़ा सेम रेंज के हैं, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करने वाला हूँ ये पनीर मखानी पिज्ज़ा से, लेट्स सी हाउ इट इज। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। मस्त हो रहा, बहुत सॉफ्ट, एज यूजुअल गुड। डोमिनोज के चीज़ का ना एक अलग ही टेस्ट है जो कहीं और की चीज़ में आता ही नहीं है। फिर डोमिनोज का हर पिज़्ज़ा मुझे बहुत बढ़िया लगता है। इसे देख के मुझे लिटरली ऐसा फील आ रहा है कि अगर इटली में मैं पिज़्ज़ा खाऊं तो हो सकता है वो थोड़ा ऐसा हो सकता है ना। एक्चुअली ऐसे वहाँ थिन क्रस्ट ही चलते हैं, ये सब तो चलते ही नहीं वहाँ। ये देखो बेस कुछ ऐसा है, बहुत ही परफेक्टली बेक्ड, लेट्स सी हाउ इट इज। गार्लिक भी है ना इसमें। सुबह 4 बजे का आया हुआ है मेरे पास, सुबह 4 बजे का, और अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30। पीछे वाले में आया उसी, मेरे को तो इसी को टेस्ट करने का मन है। यही एक्चुअली ऑथेंटिक पिज्ज़ा तो ऐसे होता है देखा जाए तो। मतलब आपने वो इटली तो में खाया है? इटली में खा रखा है ना, सेम ऐसे वही जैसा लगता है नान। हाँ, पतली नान है उसके ऊपर, बट वहाँ बहुत टैंगी रहता है, जो पता नहीं क्या डालते हैं, बहुत टैंगी सा टेस्ट आता है भाई। इसमें ऊपर देखो बेजिल लीफ दिख रहा है, मशरूम दिख रहा है, बेल पेपर है, चीज इसके सीजन के साथ खाएंगे। मैंने ये टेस्ट करा भी, मैं डोमिनोज के पिज्जा के बाद कोई सा भी पिज्जा टेस्ट कर लूंगा मेरे को अच्छा नहीं लग सकता, बट मुझे ये बढ़िया लगा, बेहतरीन। मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, ये थिन है, वो फ्लफी है, चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा, कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल मज़ा इसको भी खा के आ रहा है। मैं इसे ख़त्म कर जाऊँगा, ऐसे लाइट होता है बिल्कुल। ये है नेपोली एक्रोपोलिस पिज्ज़ा, सी हाउ इट इज। ये बढ़िया हो रहा, बढ़िया हो रहा है भी। हाँ, इसकी सीजनिंग भी, सीजनिंग बोल रहा हूँ, डिप भी काफ़ी डिफरेंट है। चीज़ी डिप नहीं है, योगर्ट जैसा टेस्ट आ रहा है, हल्का हल्का, मगर बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। पता नहीं क्यों मैंने ऐसे टेस्ट का पिज़्ज़ा कभी खाया ही नहीं है। क्या बात कर रहा हूँ, आप कहीं का भी पिज़्ज़ा खाओ उसमें चीज़ हमेशा ओवर पावर करता हुआ दिखाई देता है, बट जो ओरिजिनल पिज्ज़ा होता है उसमें इतना कॉन्सेप्ट रहता ही नहीं चीज़ का। इंडियन टेस्ट के हिसाब से इसमें हम चीज़ बर्स्ट और इतना लोडेड करके ट्राई करता हूँ कि दोनों एक ही में आ जाएँ आगे, ताकि दिख जाए। ये देखो अच्छा हो यार पिज़्ज़ा, अच्छा हो रहा है। वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, रिकॉर्टा है, क्या है, या गोट है? नहीं नहीं नहीं, गोट चीज़ भी ऐसे पता नहीं, ऐसे दिखता ही नहीं था। मोज़रेला भी हो सकता है, क्योंकि मोज़रेला भी ऐसे रहता है, मोज़रेला भी ऐसे रहता है, डाल देते हैं बढ़िया। इसके साथ कुछ करें, मोमो की चटनी लाओ, देखो मोमो की चटनी के साथ, वैसे करना नहीं चाहिए इसके साथ, ये ऑलरेडी बहुत बढ़िया हो रहा है, बट स्टिल बेहतरीन। पहली बार हो रहा है क्या, डोमिनोज पड़ा है लेकिन गर्मा गर्म पड़ा है, लेकिन मैं कुछ और पहले ट्राई करना चाह रहा हूँ ऐसा। अरे मैंने तो ट्राई कर रखा है, बट स्टिल द फोर चीज पिज्ज़ा। भाने मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है,
दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, कंपेयर नहीं हो सकते। इसमें ना ये टॉपिंग्स और सीजनिंग्स बहुत मस्त बैलेंस करके डाली है, अच्छा लग रहा है। बहुत डिफिकल्ट है ऐसा बनाना, चीज़ लवर है उसको ऐसा पसंद है। और वो भी रात के 2:30 बजे मैंने ऑर्डर करा था, तो लगाओ अगर मेन स्टाफ उनका दिन डे टाइम में रहता है, क्योंकि यूजुअली ऐसा ही रहता है कि रात को इतने ऑर्डर्स नहीं आते हैं तो रात को स्टाफ चेंज होता है। जब वो ऐसा बना है मजा। रात को 2:30 बजे ऑर्डर किया हुआ, 3:30 पे मेरे पास आया, वो 4:30-5 बजे में नोएडा से निकल गया। ये चीज़ी डिब्बा बहुत चीज़ चीज़ आता है खाते, 4 चीज़ पिज़्ज़ा ना, बस चीज़ी चीज़ है देखा जाए तो डोमिनोज का चीज़ बस पिज़्ज़ा, चीज़ का ही टेस्ट और कोई टेस्ट नहीं आता वैसा, ये एक्चुअली में टेस्टी है, ऑथेंटिक पिज़्ज़ा है, बढ़िया ये चीज़ है, चीज़ है चीज़ी चीज़। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे पिज़्ज़ास खा नहीं रखे, देहरादून में खा रखे, बंगलो में खा रखा है, फॉक्स ट्रॉट का खा रखा है, इवन मुंबई में मैंने खा रखा है 3-4 ऐसे आउटलेट्स का जो ऑथेंटिक देते हूँ, बट भाई इसके साथ टेस्ट मुझे कभी नहीं मिला, कभी भी नहीं। डोमिनोज खा के ना एकदम से हमें आंखें चढ़ जाती है चीज़ की वजह से, इंसुलिन स्पाइक करता है ये वाला, तो ये बंदा अकेला खा जाए 2 पिज़्ज़ा, गिर गया था बचिया। मेरे लगा पनीर मखानी पिज़्ज़ा में टोफू है, नहीं प्लेन पनीर नहीं होगा, जैसे प्लेन पनीर का पीस लगा है। किसके साथ नहीं खाया, किसके साथ चटनी था ये वाला, कोई सा भी ऐसे भी अच्छा ही लग रहा है मुझे, ये चटनी बहुत तेज़ होती है ना, मेरे बस की नहीं होती। मैं कोरियन 3X ला रहा हूँ, कोरियन स्टोर था दिल्ली में, बढ़िया था वहाँ सब कुछ था भाई, हैवी, बट इन पिज़्ज़ा की बात अलग है, एक्रोपोलिस इन दोनों में मेरे को शायद ज़्यादा अच्छा लगा, एक्रोपोलिस ना सीजनिंग्स एकदम अलग है ना, टॉपिंग वॉपिंग सब, मतलब फ्रेश मिलता होगा बनने का तो क्या गजब ही लगता होगा। अभी तो जैसे थोड़ा सा अकड़ अकड़ था क्या जो हमने खाए थे पहली बार वहाँ पे रोम में, ऐसे पतले पतले पिज्ज़ा, उससे पहले तो आदत ही नहीं थी इतना खाने की, पिज्ज़ा विज्ज़ा और डोमिनोज ही खाया था, अगर खाया था भाई वहाँ ऐसे पतले पतले पिज्ज़ा और ऊपर ऐसे वो कौन कौन से टमाटर होते हैं ना, चेरी टमाटो ऐसे बिल्कुल आधे आधे काट के, ये बेसिल लीव्स होती होंगी क्या, और पूरा टैंगी भाई, इतना गंदे लग रहे थे ना हमको, हम इतना खुशी खुशी कि भाई इड्डी में बैठ के पिज्ज़ा खा रहे हैं और भाई इतना गंदा पिज्ज़ा लग रहा था। फिर धीरे धीरे समझ आया कि पिज्ज़ा तो वैसा ही होता है। ओह भाई मेरा हो गया। ये तूने क्या खा के वापस रखा है वाला, नहीं ये बढ़िया हो रहा है, ये खा के ना इतना वैसा गिल्ट भी नहीं होगा जैसे इसमें, तो इतना चीज़ ही चीज़ सारा खा के दिमाग खराब हो जाता है। अब देखो एक ऐसा पॉइंट है कि ऑल दो मेरे को चीज़ पसंद है, लेकिन अगर कभी मेरे को दोनों ऑप्शंस दिए जाएं, बेकिंग बैड या फिर ये, और सेम प्राइस हो पिज़्ज़ास का, मेरे ख्याल से मैं बेकिंग बैड को चूज़ करूँगा, क्योंकि लाइट होता है, मतलब 2 पिज़्ज़ा भी खा लोगे ना आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं क्या खा लें, और पेट भी भर जाता है ऐसा नहीं है, बट वो नहीं होता अजीब सी फीलिंग। डोमिनोज के 2 पिज़्ज़ा आपने खा लिए चीज़ बस्ट है, दो तो जैसे आदमी खाते होंगे तो नॉर्मल आदमी थोड़ी दो खा पाएंगे, बट स्टिल अगर 2 पिज़्ज़ा मीडियम खा लिए तो भाई आपकी और कुछ खाने की हिम्मत नहीं हो सकती ना भाई, वहीं से वहीं बेड बिछाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बेकिंग बैड इज़ लाइक
दो अलग अलग पिज्जा आप टेस्ट कर सकते हो, बढ़िया कोई मूवी इंजॉय करते करते पूरा खा लोगे एंड स्टिल यू वुड बी फाइन। पैसे ले मेरे से, पैसे के हिसाब से ऐसे पैसे उड़ा दोगे दो पिज्जा खा के, डोमिनोज एक में इतना पेट भर देगा। कहीं इनकी चाल तो नहीं। डोमिनोज बेचारा वैसे देखा जाए तो उस हिसाब से पॉकेट फ्रेंडली है ना, एक खाओ बस। हाँ अगर वैसा चाहिए कि पेट भरना है तो डोमिनोज खाओ, डोमिनोज पेट दीद सब भर जाएगी, सब भर जाएगा। हफ्ते भर तक और खाने का मन नहीं होगा। ये भी होता है डोमिनोज ज़्यादा खा लो खाने मन ही नहीं करता। एक बार हो रही याद है हमने कितने खाए थे भाई आपकी शादी से पहले, स्टार्ट भी नहीं किया था शायद चैनल आपकी शादी से पहले। हाँ अरे भाई हम तो बिल्कुल ऐसा रेला फेल रखा था हर दूसरे दिन। मतलब जब पहले हमारा होता था कि घर से बाहर निकल रहे तो आंटी के यहाँ जाके मोमो खा लिए, वैसा बीच में हमारे डोमिनोज के साथ लग गया था, घर से बाहर निकल रहे तो डोमिनोज चले जाते हैं। वो इंसानों की तरह कहाँ खाते थे हम, टार पिज्जा लेते थे हम रेगुलर, वो भी चीज बर्ग दो दो खा जाते थे एवरीडे वैल्यू में, दो ये दो में तो ऐसा देखते थे। कितनी बढ़िया करके लेयर बना रखी एकदम, मतलब दिस इज अ वर्क ऑफ आर्ट। रील देखिए यारी, नहीं तो भाई किस में, इंस्टा में। आई डोंट यूज इंस्टाग्राम, आई यूज बैटल क्रिक नाउ, नथिंग आई प्ले बीजीएम। बीजीएम में मेरा ना रिकॉर्ड गिरता जा रहा है बहुत, मेरा केडी पे बहुत ही नीचे आ गया है वो मैं बोल नहीं सकता। प्रॉब्लम पता है क्या, इतनी देर वेट करो वो लोडिंग होता है वो बाहर 30-40 सेकंड कनेक्ट होने में लगते हैं, घूमते रहो अंदर जाते मर जाओ साला उतरते। मैं जहाँ भी लैंड करता हूँ कितनी अच्छी जगह, मैं पहले उतरता हूँ बंदों से मतलब 3-4 सेकंड पहले, वो मेरी किस्मत ऐसी मैं जिस कमरे में घुसता हूँ कुछ नहीं मिलता, जिस घर में घुसता हूँ कुछ नहीं मिलता, दूसरा मेरे से 10 सेकंड बाद भी उतरेगा ना वो सीधा गन पे उतरता है, मार भी किसी और का होगा तो गोली मेरे लगेगी, इतना खत्म हुआ है। मेरे को बॉट मार जाते हैं कभी कभी, मैं छुप रहा हूँ मेरे पे गन नहीं है, सामने बंदे को पता नहीं, मैं बोल रहा ठीक है थोड़ी देर में निकल जाएगा मैं दूसरे को, तब तो पीछे से बॉट आ जाता है टराक टराक टराक। अब बॉट आजकल बहुत तेज हो गए भाई, पहले तो मुक्का समर जाते थे ना, अभी डैमेज देते हैं तगड़ा। खा लो भाई ना भाई, मेरा पेट भर गया जो खा लो। चल अब तू इतना इंसिस्ट कर रहा है तो खा ही लेते हैं, कल से तो वैसे ही डाइटिंग है, कल व्रत है मंडे का। मुझे एक और खाना है अभी। तुझे वो तो रात को खाएगा एडिटिंग करते वक्त। ये क्यों नहीं खाया, एक्रोपोलिस खा लेते बढ़िया वाला है मेरा। तेल छोड़ दिया मैंने बढ़िया वाला, अब बहुत हैवी हो गया। हाँ एक्चुअली मैं जस्ट मोमो जो खा के आया था ना आंटी के यहाँ से, मोमो खा के आए थे, मैं शर्म करो थोड़ी, ये चटनी कहाँ से आई, जो घर लाए थे आप। मैं खाया था ना और डेली के लिए घर लाया था ना, गरम गरम खाने का मज़ा ही अलग है। नेपोली एक्रोपोलिस पिज्ज़ा, ओह तो वही मेन मुद्दा वही है, सुबह 3:30 के मेरे पास आ रखे हैं यार, ये स्टिल इतने फ्रेश लग रहे हैं ना, टेस्टी। जैसे सब्जी होती है ना जो, जैसे अगर सुबह बनाई और शाम को खाओ ज़्यादा टेस्ट हो जाती है पता है। ऐसे मेरे को कि पिज्ज़ा के साथ भी ऐसा तो नहीं, हमने पहले भी खा रखे हैं। सुबह के पिज्ज़ा रात को, रात के पिज्ज़ा सुबह को, इसमें चीज़ ड्रिप होता हुआ दिख रहा है मुझे। बस भाई को रात को भी खाने हैं, खा ले खा ले खा ले और खा ले ठूस ले, ये खा लेता मैं ऐसे क्रॉस क्रॉस खाने में बढ़िया है यार ये। क्रॉस क्रॉस मतलब एक वो एक ही, हाँ टेस्ट कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, मज़ा आ रहा है वो थिन क्रस्ट फिर ये चीज़ ही, फिर थिन क्रस्ट फिर चीज़ ही, चोकोलावा केक और हो जाता तो बैड में था ले आता है यार भाई, भाई बहुत जिंदा नहीं रहता, रहता नहीं पर वरना बेकिंग बैड में आपका कर देते उसको, वरना बेकिंग बैड में आपको अनियन रिंग्स भी मिलती है ना ना ना, ना वैसे साइड गार्लिक ब्रेड और अपना साइड डेजर्ट वाला भी मिलता है शायद शायद से, यहाँ से तो मंगा ही लेता है तू चोको मूज और ये अपना एक और मस्त आता है ना उसका कौन सा आजकल अच्छा आ रहा है, पैसे मैं दे देता हूँ उसके। आइसक्रीम मेरे को एक और दो चीज़ें डिप, ये वाला भी सूख गया तो पूरा, ये बता दें भाभी को इसका पनीर बड़े गंदा सा यार है ना, सिर्फ पनीर खा के देखो बड़े गंदा है वो, मैं वैसे खा लिया। कहाँ से लाते हो डोमिनोज वाले पनीर,
मैंने उसको खा के बाद बोली कि पनीर मखानी से मुझे ऐसा लगा था कुछ सॉसेस में डिप्ड पनीर हुआ। वैसा तो नहीं है जो होटल वोटल रेस्टोरेंट में जो बच जाता है पनीर, लोग छोड़ देते हैं उसको धो के फिर यहाँ दे दे, ऐसा टेस्ट आ रहा है गंदा। तो वो हल्का सा फ्राई करके दे दिया बस। यस दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग। नमकीन पानी में थोड़ा गुनगुने, नमकीन पानी में पनीर के पीसेस को डुबा के रखो ना, सॉफ्ट हो जाते हैं। बट ये एक्चुअली क्या है ना, फिर वो अवन ओवन करते हैं, वो सब करते हैं, शायद उसमें ये थोड़ा वो हार्ड जैसा हो जाता होगा। बट अच्छा है टेस्ट, ओवरऑल अच्छा है। मतलब अलग अलग तो क्या ही खाना ना, वो पनीर निकाल के तो कोई खाएगा नहीं, ओवरऑल अच्छा है। मुद्दे पे आओ, मूड पे डिपेंड करता है भाई, मूड पे तो डिपेंड करता है। मान लो कि आपका कोई खास मित्र आ रहा है फॉरन से आ रहा है और आपके पास ये दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, ओके, तो उसे क्या खिलाओगे आप? एक ही ऑप्शन खिला सकते हो। ओके टेस्ट के लिए तो वैसे उसको मैं वो खिलाऊंगा, बेकिंग बैड का, मगर डोमिनोज भी खिलाऊंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा देख भाई ये इंडिया में डोमिनोज खा के देख, तेरे बाहर कैसा मिलता है वो अलग है, यहाँ खा के देख। चीज़ बर्ग का मेरे को आइडिया नहीं यार, बाहर मिलता है नहीं मिलता, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है नहीं मिलता। अब मान लो आपको कोई इंडिया का फ्रेंड है, उसको दोनों में से क्या खिलाओगे? वो तो डोमिनोज ही खाएगा यार, देखो अपन लोगों के ना उसमें चीज़ ही भरा पड़ा है, उसको तो चीज़ ही पसंद है। आप क्या खिलाओगे? पर पैसे दे रहा है मैं तो मैं डोमिनोज खिलाऊंगा, पैसे दे रहा है वो तो मैं उसको उस वाले पे ले जाऊंगा, ज़्यादा खाए जाएंगे। वाह भाई, तो मैं भी दो खाऊंगा फिर, वरना मैं एक डोमिनोज खाऊंगा। ओवरऑल मैं अपनी साइड से बताऊं, ओवरऑल ये बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, टेस्ट वाइज भी, क्रस्ट वाइज इसका मेकिंग बहुत ही प्यारा, टॉपिंग्स का ना एकदम बैलेंस थी सारी की सारी टॉपिंग्स, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट दिखने में हर चीज़ में मुझे ये बेटर लगा। दोनों मुझे सेम लेवल पे ही पसंद है। अगेन जैसा मैंने बोला, अगर मेरे को चॉइस दी जाए तो मैं डेफिनेटली इसको प्रेफर करूंगा, क्योंकि इतना हैवी नहीं होता है और आप अलग अलग टेस्ट भी ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट बड्स को हिट भी करेगा। हाँ। ये सिर्फ चीज़ है, डोमिनोज के मैक्सिमम पिज्जास बस चीज़ चीज़ चीज़। देखो ये जैसे पनीर मखनी है, खाली पनीर, अगर पनीर मखनी को तुम एम्फसाइज कर रहे हो, वो पनीर बहुत ही बेकार हो रहा है, जो मतलब मेन उसका इंग्रेडिएंट है और वो बहुत टेस्टी हो रहा है। इसका अगर पनीर हटा दो ना तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम टेस्ट लगेगा। हाँ। इसमें दोनों का बहुत अलग अलग टेस्ट था, बहुत अलग टेस्ट, टोटली डिफरेंट टेस्ट था, जिसमें हमें नेपोली एक्रोपोलिस ज़्यादा पसंद आया, बट दूसरा वाला भी बहुत ही बढ़िया था थिन क्रस्ट के हिसाब से। आज के इस कंपैरिजन में आई बिलीव, दिल पर पत्थर रखते हुए मुझे बोलना पड़ेगा कि मुझे तो बेकिंग बैड के पिज्ज़ा ज़्यादा अच्छे लगे एज कम्पेयर टू डोमिनोज। रीज़न माइट भी कि मैं डोमिनोज ऑलरेडी बहुत खा चुका हूँ और बेकिंग बैड मेरे लिए अभी नया नया हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रीज़न ये भी हो सकता है और रीज़न ये भी हो सकता है कि अच्छा है। एक एक स्लाइस दोनों पिज्जा के बचा दिए हैं, ये घर वाले खा लेंगे। बाकी आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। चीज़ पीस।